15 मई 1965 की एक शाम जीप उन्होंने गांव से करीबन एक फरलांग दूर ही रोक दी थी। सूरज का आतिशी गोला इनके अकब में बहती इस नहर किनारे लगे दरख्तों के पीछे डूब रहा था, जो एक तरह इस गांव की हद भी थी। उन्होंने 10 मील कच्चा रास्ता तय किया था। कंपनी हेडक्वार्टर से इनकी रवानगी इतनी अचानक थी कि सूबेदार हुक्मदार चकरा कर रह गया था। कैप्टन साहब बगैर इतला अचानक आए और उन्होंने कोई तमहीद बांधे बगैर इसे जीप तैयार करने का हुक्म दे दिया था। उन्होंने ड्राइवर को भी साथ लेना मुनासिब न समझा और इस वक्त तो सूबेदार हुक्मदार हैरान ही रह गया जब कैप्टन ने इसे सिवल कपड़े पहनने के लिए कहा। हम लोग आर्मी की जीप भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्होंने कमरे के बाहर खड़े खड़े कहा। और कबल इसके कि सूबेदार हुक्मदार इनसे सवालात का सिलसिला शुरू करे, वो अंदर दाखिल हो गए थे। सूबेदार ने रेंजर्स की जीप किसी न किसी तरह हासिल कर ली थी, अब यहाँ वो प्राइवेट जीप हासिल करने से तो रहा। एहतियातन इसने टैंकी पूरी भरवा ली क्योंकि अभी तक इसे अगली मंजिल का इलम नहीं था। सूबेदार हुक्मदार पिछले 2 साल से इसी सरहदी इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर इंटेलिजेंस ड्यूटी कर रहा था। वो FIU से वाबस्ता था और इस इलाके के चप्पे चप्पे पर इसकी नज़र थी। यहाँ के मुकामी बदमाश, स्मगलर, चोर, खतरनाक और बेजरर हर तरह के लोगों से इसे आगाही थी। इसकी सर्विस का ज़्यादातर हिस्सा इंटेलिजेंस ड्यूटी ही की नज़र हुआ था। सूबेदार हुक्मदार की जहाँ दीदा नज़रों ने पिछले 1.5 माह से पेश आने वाली तब्दीलियों का बगौर जायज़ा लिया था और इसके तजुर्बे ने इसे बता दिया था कि अब कुछ कर गुजरने का वक़्त आ गया है। आज सुबह जब वो अगली यूनिटों के दौरे से वापस आया तो कंपनी हेडक्वार्टर में एक पैगाम इसके मंतजर था। जनरल हेडक्वार्टर से इसकी खसूसी यूनिट के एक अफसर अहम मिशन पर आ रहे हैं। पहले तो इसकी समझ में ना आया कि इसका मतलब क्या है, यह अचानक GHQ वालों को क्या सूझी। इशारतन भी कोई पेशगी इतला इसे नहीं मिली थी और जो कैप्टन साहब GHQ से आए थे वो भी कुछ कम पुरेसरार साबित नहीं हुए थे। अगर इनका शनाख्ती कार्ड इनके पास न होता तो सूबेदार हुक्मदार शायद इन्हें गिरफ्तार कर लेता। इनकी आमद ही कुछ ऐसी थी। जीप के स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे वो खासा चौकस इनकी आमद का मुंतजर था। इसकी आधी जिंदगी कैप्टनों और मेजरों से मिलते मिलाते गुजरी है, लेकिन इस शरीर बदन के सांवले रंग वाले नौजवान कैप्टन में इसे कोई ऐसी बात ज़रूर दिखाई दी जिसकी वजाहत वो कर ना पाया। जब भी इसने जहन पर जोर दिया वहाँ से एक ही जवाब मिला, है कोई ख़ास बात इस शख्स में और बस, खुदा जाने ये मुझे अंधेरे में रखकर कहाँ ले जाएंगे, इसने सोचा। कैप्टन इसे जीप ही में इंतज़ार करने के कहकर वायरलेस रूम में जा घुसे। इंतज़ार की कोफ्त से बचने के लिए इसने कई बार चाहा कि सिगरेट सुलगा ली, लेकिन हर दफ़ा इसका हाथ जेब के नज़दीक पहुँच कर वापस आ जाता। हालांकि वो सिविल कपड़ों में था और यूं भी इसके फ़राइज़ की नौइयत ऐसी थी कि अगर वो अपने अफसर के सामने सिगरेट सुलगा भी लेता तो कोई ऐसी मायूब बात न होती, लेकिन न जाने क्यों वो चाहते हुए भी ऐसा न कर सका। इस वक्त भी जब वो बमुश्किल अपना हाथ जेब के अंदर लगाया था, अचानक इसकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी जहाँ से कैप्टन साहब एक और कैप्टन के साथ गपशप करते बरामदे में आए थे। बिजली की इसी फुर्ती से इसका हाथ वापस अपनी जगह पर आ गया और वो चौकस होकर बैठ गया। कितनी देर से इस इलाके में हो, कैप्टन ने इसके साथ वाली सीट पर बैठते ही इसको रवानगी का सिग्नल दे दिया था। सर, पिछले 2 साल से इसी इलाके के गिर्द अगिर्द घूम फिर रहा हूँ, इसने अपनी आवाज़ को हत्तीउल रुसा पुरसकून बनाते हुए कहा। हाँ, एक लंबी हाँ कैप्टन के मुंह से खारिज हुई। हम नूरकोट की तरफ जा रहे हैं, मुझे शेरू से मिलना है। उन्होंने दोनों बातें एक साथ ही कह डाली। शेरू से? सूबेदार के मुंह से बेसाख्ता निकला। वो नूरकोट और शेरू के नाम पर यूं बितका था जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार लिया हो। क्यों, क्या बात है? इसकी हरकत को कैप्टन साहब ने नोट किया था। वो तो सर, वो फिक्रा अधूरा छोड़ कर चुप रह गया। क्या है वो? कैप्टन ने पहली मरतबा इसकी तरफ गर्दन घुमा कर देखा। वो हमारे काम का आदमी नहीं है जनाब, बिलाखिर इसने कह ही दिया। वंडरफुल, तो आपने मुलाकात से पहले फैसला कर लिया? कैप्टन के लहजे में छुपे तंज को सूबेदार हुक्मदार महसूस किए बगैर न रह सका। जनाबे वाला, मैंने 2-3 मरतबा कोशिशें की कि इसे किसी भी तरह राह रास्त पर लाऊं, लेकिन वो नरमी या सख्ती किसी को भी खातिर में नहीं लाता। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है जनाब। अफसोस तो इस बात का है कि हम इसे आज तक रंगे हाथों पकड़ नहीं सके। बड़ी मुश्किल से पिछले महीने हमने खसूसी नाके लगाकर इसका माल पकड़ लिया जो वो जम्मू से हाँक कर ला रहा था। 2-4 मोटी तगड़ी गायें, लेकिन वो हर बार की तरह निकल गया। सूबेदार बोलता बोलता खुद ही चुप हो गया। इसने देखा कैप्टन इसकी बातों पर कान नहीं धर रहे। वो तो जीप की विंडो स्क्रीन पर नज़रें जमाए किसी गहरी सोच में गर्क हैं।
आजकल रास्तों की क्या पोजीशन है? उन्होंने अचानक बिल्कुल अलग सी बात पूछ ली। टलते चांद की रातें हैं जनाब। इसके बावजूद किसी एजेंट ने पिछले 10-15 दिनों से इस तरफ से लॉन्च करने की हिम्मत नहीं की। क्यों? कैप्टन ने बज़ाहिर हैरत से पूछा। क्या अर्ज करूँ सर, ये तो बहुत अच्छा इलाका है। हमारे लोग इस तरफ से तालियां बजाते हुए सरहद बूर कर जाते हैं, लेकिन बरसात की वजह से दूसरी तरफ चूँकि नाले और नदियां तुगयानी पर हैं, इसलिए तमाम मवेशी चोर कमबख्त इस तरफ आन मरे हैं। शेरू ही को लीजिए, हमारे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वह कभी भूल कर भी इस तरफ का रुख करेगा, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब अमरीक चेक की पोस्ट से इतला मिली कि खोजी ने वहाँ से खुरा उठाया है। कहाँ तक गया था खुरा? नूरकोट के बाहर वाली नदी के पास ख़त्म हो गया। चूँकि वो नूरकोट वाली नदी के पास आकर ख़त्म हुआ, इसलिए वो शेरू ही का खुरा होगा। कैप्टन साहब ने इसका तमस्खर ही तो उड़ाया था। जनाब वाला सूबेदार ने महसूस किया कि इसकी आवाज़ कुछ बुलंद हो रही है। फौरन इसने खुद को नॉर्मल किया। बिलाखिर वो फौजी था। इस इलाके के बदमाशों के खुरे यहाँ के खोजी आंखें बंद करके पहचान लेते हैं, और शेरू की तो बात ही और थी। ठीक है ठीक है, कैप्टन ने खामोश होकर नज़रें दोबारा विंडो स्क्रीन पर जमा दी। नदी किनारे पहुँचने तक कैप्टन साहब ने बातों बातों में इसे इस इलाके के चप्पे चप्पे से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर ली थी। महफूज रास्ते, रेंजर्स और इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके, स्पेशल नाके, स्मगलरों और सरहद के आर पार चोरियां करने वालों के रास्ते, और सरहद के वो मकामात जो नकलो हरकत के लिए महफूज तो थे, लेकिन इंटेलिजेंस की खुशकिस्मती की वजह से अभी तक इन लोगों की नज़रों से ओझल रहे थे। असल में सूबेदार हुक्मदार की कारगुजारी यही थी कि इसने ऐसे कितने रास्ते अभी तक तलाश किए थे। दरहकीकत वो जानता था कि जिन रास्तों से जराइम पेशा अफराद का आना जाना शुरू हो जाए, इनसे किसी एजेंट को सरहद पार करवाना कितना ख़तरनाक और नुकसानदेह साबित हो सकता है। सूबेदार साहब, नदी किनारे जीप खड़ी करके जब वो लोग नीचे उतरे तो कैप्टन ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे अचानक अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जितनी ज़रूरत आज इस मुल्क को शेरू जैसे बदमाशों की है, इतनी आज से पहले शायद कभी नहीं थी। कैप्टन के लहजे ने सूबेदार हुक्मदार को चौंका दिया। फिर सारी बात आप इसकी समझ में आ गई। जीप उन्होंने नदी के पार ही खड़ी कर दी थी, और अब वो छोटे से पुल को पैदल उबूर करने के बाद नूरकोट की तरफ जा रहे थे। कैप्टन की मुतजस्सिस निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थीं, लेकिन वो दोनों इस 15 साल लड़के को न देख सके जो जीप रुकते ही बड़ी तेज़ी से गांव की तरफ पलटा था, और अभी इसकी बकरियां नदी किनारे पानी ही पी रही थीं। लेकिन वो नूरकोट पहुँच चुका था। गाँव के एक कोने में बने चौपाल में बैठे शेरू और इसके साथियों ने बड़ी तवज्जो से इसकी बात सुनी। चारा कर जा शेरू चाचा, मेरा ख्याल है करम अली को उन्होंने इकबाल करवा लिया है। एक 17-18 साल के लड़के ने जो पिस्तौल खोले इसकी नाली में एक आँख बंद करके झांक रहा था, दरमियानी उम्र के इस आदमी को मुखातिब किया जो हुक्के की नै मुंह में लिए बज़ाहिर इन सब से अलग थलग और सीनियर नज़र आ रहा था। ये शेरू था। मैं तो पहले ही कहता था चाचा कि ठुट्टी वालों पर एतबार करना ठीक नहीं है, बड़े कच्चे लोग हैं ये। मेरे बाप को ठुट्टी वालों ने मरवा दिया था। वो अकेला 3-4 पुख्तों को खातिर में नहीं लाया था, लेकिन इस रोज़ किसी नौजवान ने पिस्तौल बंद करके अपनी धोती की डब में छुपा लिया। कितने आदमी थे वो? शेरू ने इसकी बात पर कान धरे बगैर अपने मुख पर अयाली भेड़ बकरियां चराने वाले की तरफ देखा। 2 ही नजर आए थे मेरे चाचा। शेरू की नज़रें इसके चेहरे पर गड़ी हुई थीं। अयाली को इसकी आंखें अपने बदन में धंसती हुई महसूस हो रही थीं। वो कुछ गड़बड़ा सा गया था। तूने पहचाना किसी को? शेरू ने इसके चेहरे से नज़रें हटाकर हुक्के का कश लिया तो इसे कुछ सुकून नसीब हुआ। एक तो वही सिक्योरिटी वाला सूबेदार है चाचा जो परसों आया था, और दूसरा अजनबी है। इस इलाके में इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। कोई हथियार? नहीं चाचा, बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आया। ठीक है जानू, जा शाबाश। शेरू की बात सुनते ही वो लौट गया। डेरे वाले हैरत से इसकी तरफ देख रहे थे। इनके ख्याल के मुताबिक अब शेरू को यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो यूं अतमीनान से बैठा था जैसे इसकी मुलाकात को सिक्योरिटी वाले नहीं बल्कि इसके इंतहाई कोई करीबी रिश्तेदार आ रहे हैं। घोड़ी तैयार है चाचा शेरू? 12-13 साल लड़के ने अंदर दाखिल होते हुए इतला दी। वो मुखबर की बात सुनते ही बाहर निकल गया। इसे बांध दे पुत्र, तुम लोग भी जाओ, खतरे वाली कोई बात नहीं, कोई गलत हरकत न करना, इसने अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों से कहा। पर चाचा, पिस्तौल वाले नौजवान ने कुछ कहना चाहा। खान मोहम्मद पुत्र, बड़ों की बात में मुदाखलत नहीं किया करते, शेरू ने इसे बड़ी शफकत से कहा। दूसरे ही लम्हे डेरा खाली हो चुका था।
कमरे में सूबेदार हुक्मदार पहले दाखिल हुआ। कैप्टन बाहर खड़ा रहा। इसकी उकाबी नजरें वहाँ मौजूद किसी भी मुमकिन मुदाखलत का जायजा ले रही थीं। आओ जी सूबेदार साहब जी आया नू। शेरू ने चारपाई पर बैठे बैठे हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। सूबेदार ने बादल नखास्ता इससे हाथ मिलाया। अगर कैप्टन ने रास्ते में इसे ब्रीफिंग न की होती तो इसकी तरफ हाथ बढ़ाने की बजाय पूरी कुव्वत से शेरू के मुंह पर ठोकर रसीद करता। हुक्मदार बेबसी से सिर्फ होंठ चबाकर रह गया। गिरफ्तार करने आए हो? शेरू ने अगला सवाल दागा। नहीं शेरू, हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करने आए। इसके सवाल का जवाब सूबेदार की बजाय कैप्टन ने दिया, जो सूबेदार के बाद अंदर दाखिल हुआ था। कैप्टन पर नज़र पड़ते ही शेरू यूं बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ, जैसे ताकतवर स्प्रिंग ने इसे फिजा में उछाल दिया हो। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन इसका मुंह खुले का खुला रह गया। फिर किसी मैकेनिकी अमल के तहत इसके बाजू फैल गए। शर्फू, इसके हलक से निकलने वाली आवाज़ किसी करबनाक चीख से मुशाबे थी। शेरू कैप्टन अशरफ खान बाहें फैला कर इसे लिपट गया। दोनों ने अपने अपने जज्बात पर काबू पाने के लिए एक दूसरे से ज़्यादा जबत का मुजाहरा किया था, फिर भी दोनों की आंखें भीग गईं। शेरू ने कैप्टन अशरफ खान को अलग किया और कुछ कहना चाहा, लेकिन इसके रद्दे हुए गले से बमुश्किल अशरफ खान निकला और दोबारा इसने कैप्टन को अपने सीने से चिमटा लिया। सूबेदार हैरत से बारी बारी दोनों की तरफ देख रहा था। इस मिलाप से वो भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। सूबेदार ने महसूस किया जैसे वो दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना सुनना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। शेरू के वो साथी जो चंद मिनट पहले यहाँ से चले गए थे अब वापस आ गए थे और सभी मेहमानों की खिदमत में जुटे हुए थे। इनके सामने दूध के गिलास रखे हुए थे, लेकिन सूबेदार हुक्मदार वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था कि दोनों इस दस्तरखान पर मौजूद ही नहीं हैं, वो किसी और ही आलम के मकीन बने हुए हैं। यूं भी वो किसी तौर शेरू के दिल में न झांक सकता था, जिसकी नज़रें अशरफ खान के चेहरे पर गड़ी थी और जिसके जहन पूंछ के कूचाओ बाजार में भटक रहा था। इस पूंछ में जहाँ न कोई कैप्टन अशरफ रहता था और ना ही शेरू डकेट, वहाँ तो दो जिगरी दोस्त कयाम पजीर थे। एक जो नादर खान का बेटा था शर्फू कहलाता था और दूसरा शेरू, दोनों यकजान और दो कालिब थे। फिर एक रोज़ इसका साथी इससे बिछड़ गया और आज फिर अचानक वो इसके सामने आन खड़ा हुआ। वो कैसे यहाँ आया? वो क्यों यहाँ पहुँचा? यही कुछ सोचता वो माजी के इन औराक में गुम हो गया, जहाँ जहाँ इसका नाम और शर्फू का नाम साथ साथ आता था और आखिर इसकी उंगलियाँ टटोलते इस सफ़े तक जा पहुँची जिसका उन्वान 1947 से शुरू होता था। यहाँ आकर वो रुक गया और बिखरे हुए नकूश यकजा हो गए। 27 अगस्त 1947 की एक शाम, पाकिस्तान के क्याम को आज 13 दिन हुए थे। 3 जून 1947 को अंग्रेज़ ने दो मुल्कों के क्याम का जो ऐलान किया था इसे अमली जामा पहना दिया गया था। दौलत मुश्तरका की दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलिकतें दुनिया के नक्शे पर उभरी थीं, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई ममलिकत अपनी अमलदारी राइज नहीं कर सकी थी। नज़्म व नसक का ये आलम था कि जंगल के कानून का सरसमा था। 40 करोड़ आबादी, 17,77,4,38 मुरबा मील रकबे पर फैले हिंदुस्तान की 568 रियासतें दोनों में से किसी एक ममलिकत के साथ इलाहाक के मराहल से गुजर रही थीं। कुछ ने फैसला कर लिया था और कुछ अभी सोच रही थी। बाज रियासतों का जुग्राफियाई मोहल्ले को ऐसा था कि इनके फैसले माज रस्मी हैसियत रखते थे। इन्हीं में से रियासत जम्मू और कश्मीर भी थी, जिसकी 40 लाख आबादी में से 75% मुसलमान थे, लेकिन जिसकी किस्मत का फैसला बदकिस्मती से एक हिंदू डोगरा महाराजे को करना था जो अभी तक गुमगू के आलम में था। इस रियासत को सिर्फ इसलिए अहमियत हासिल नहीं थी कि यहाँ से जो दरिया फूटते थे वो पाकिस्तान से गुजरते थे, बल्कि इसकी ज़्यादा अहमियत इसलिए थी कि रियासत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान और भारत दोनों से मुलहिक थी, जबकि शुमाल में इसकी रूस और अफगानिस्तान के दरमियान का इलाका था और इसकी सरहद चीन से भी मुश्तरक थी। बड़े सगीर के मुसलमानों के कभी वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इस रियासत का इलाहाक कोई नज़ाई मसला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ की 75% आबादी मुसलमान थी और भारत के साथ इसका कोई ज़मीनी और दरियाई रास्ता भी नहीं था। इस तरह इक्तसादी तौर पर इसका भारत से कोई राबता ही नहीं रह जाता था। इस हकीकत का एहसास इन अंग्रेज़ बाजीगरों को भी था, इसलिए रेडक्लिफ एवर्ड ने जब दोनों मुल्कों की हदबंदी का ऐलान किया तो बर्रे सगीर के मुसलमानों को ज़बरदस्त जहनी धचका लगा। उन्होंने सुना कि पाकिस्तान से मुलहिक इलाके का वो हिस्सा भारत को दे दिया गया है जिसमें से एक सड़क कश्मीर और भारत को मिलाती है। ये एक कच्चा रास्ता था जिसे बाद में पुख्ता किया जा सकता था।
इस वक्त तक कश्मीर का रास्ता सिर्फ दो सड़कों के जरिए दुनिया से कायम था और दोनों इस इलाके में से गुजरती थी जो असूली तौर पर पाकिस्तान के हिस्से में आया था। अब रेडक्लिफ एवर्ट की मेहरबानियों के तुफैल जम्मू से कठुआ तक जाने वाली गैर पुख्ता रास्ता भारत के हिस्से में आ गया था। कश्मीर और भारत के दरमियान इलाहा किनी दरअसल अंग्रेज़ बहादुर ने डाली थी और रवानगी से पहले अपनी फितरत के मुताबिक बर्र सगीर हिंदुस्तान के लिए ऐसा मसला पैदा कर गया था जो इसकी गैर मौजूदगी में भी इसकी देरीना पॉलिसी लड़ाओ और हुकूमत करो के लिए काफ़ी था। महाराजा को इस बात का बखूबी इलम था कि पाकिस्तान के साथ इलाहा की सूरत में कोई ताकत इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रियासत की दोनों बड़ी जमातों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जेलों में बंद थे, इसलिए कम अज़ कम इस मसले पर रियासत के अंदर कोई शोरस पैदा नहीं हो सकती थी। लेकिन महाराजा पाकिस्तान के सिर्फ वादा इस्तकरार करके बज़ाहिर चौकस लेकिन आतिश फिशां पहाड़ के दहाने पर जम कर बैठा रहा, इस बात से बिल्कुल बेपरवाह कि ये पहाड़ अब किसी भी दम फटने और इसे अपनी लपेट में लेने वाला है। रावलाकोट और बाग के सुदन कश्मीरी के दलेरी जिनकी रिवायत और जहाँ फरोशी जिनके खून में रची बसी थी बड़ी बेचैनी से नज़रें उठाए महाराजा की तरफ देख रहे थे। इनके लीडरों ने वाज़े तौर पर महसूस कर लिया था कि दाल में ज़रूर काला है और महाराजा की नीयत में फतूर आ गया है, वरना अब तक वो रियासत के पाकिस्तान के साथ इलाहा का ऐलान कर चुका होता। 1832 में इनके असलाफ ने आज़ादी का जो नारा बुलंद किया था और 1930 में जिस तरह बाकायदा असम्बली के क्याम की जद्दोजहद उन्होंने की थी, इसकी बाजगश्त अभी तक पहुँच की पहाड़ियों में गूंज रही थी। इस कबीले के मुतल्लिक राजा को कभी कोई गलत फहमी या खुशफहमी नहीं रही थी। नौजायदा ममलिकत इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान से इनकी हमदर्दियाँ कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। 23 और 25 अगस्त को बाग और रावलाकोट के जलसों में वो लोग पाकिस्तान के साथ अपनी दिली हमदर्दियों का नारा मस्ताना बुलंद कर चुके थे और हमेशा की तरह अब भी वो आज़ादी के मतवालों का हरवल दस्ता बन चुके थे। उन्होंने बाग के जलसे में पाकिस्तान का हिलाली परचम लहराकर चंद ही रोज़ पहले महाराजा को दहला दिया था। डोगरा सिपाहियों की गोलियों से इस राह आज़ादी में शहादत पाने की अवलियन शहादत भी इन्हीं को हासिल हुई थी। जब इस कत्लेआम की खबर 26 अगस्त को रावलाकोट पहुंची, तो आज़ादी के मतवालों के सीनों में एक अलाव दहकने लगा। 28 अगस्त को वो लोग सैदनोई के मकाम पर इकट्ठे हुए जहां तमाम एहतियातें और मुसलहतें बालाए ताक रखकर 29 अगस्त 1947 के रोज़ डोगरा अफवाज से बराह रास्त टकराने और इल्मे बगावत बुलंद करने का फ़ैसला हुआ और ये खबर रातों रात सारे पहुँच में फैल गई। तय ये हुआ कि पहुँच की फौज छावनी से इस तरफ आने वाले दस्तों पर घात लगाकर ऐसी कारी ज़रब लगाएगी कि डोगरों को 1832 और 1930 को भूला सबक याद आ जाएगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।